सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने गई पुलिस बल पर हमला, कई लोग घायल। लातेहार जिले के बरवाडी थाना अंतर्गत ग्राम लेदगाई के आरडी पब्लिक स्कूल के पास विवादित भूमि पर अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने को लेकर अंचलाधिकारी राकेश सहाय और थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह संयुक्त रूप से अपने दल बल के साथ पहुंचे, जहां हो रहे निर्माण कार्य का भूमि से संबंधित कागजात की मांग की गई, पर आरोपियों के द्वारा कोई कागजात नहीं दिखलाया गया। तब अंचलाधिकारी के द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद कमल यादव, तुलसी यादव, मुकेश यादव, सतीश यादव वगैरह जो बुरी तरह भड़क गए और हाथापाई पर उतारू हो गए। इस बीच दोनों तरफ से वाद विवाद होते मारपीट होने लगा, जिसमें थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह, धर्मेंद्र सिंह सरदार के साथ 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान छिपाद्वार और मनिका थाना को सूचित कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर घटनास्थल पर पहुंचे और उक्त 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद स्कूली बच्चों ने बताया कि पुलिस आई तो पुलिस और मास्टर साहब में लड़ाई हो रहा था, पुलिस हमारे मास्टर साहब को मारपीट कर ले गए। वहीं आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बता दें कि विवादित भूमि के संबंध में अंचलाधिकारी राकेश सहाय ने बताया कि तुलसी भुइयां पिता प्यारी भुइयां ग्राम लेदगाई ने एसपी कार्यालय को आवेदन दिया था कि हमारी रैयत भूमि पर आरोपियों के द्वारा दबंगई करते हुए 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर एसपी कार्यालय से बरवाडी थाना प्रभारी को गहनता से जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसकी जांच को लेकर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। बोलो, क्या नाम है? नंदिता कुमारी। क्या हुआ था कल स्कूल में? दो बोलेरो आए थे। अच्छा, मारपीट से बताओ, कहाँ से मारपीट शुरू हुआ था? शुरू पुलिस लोग मार रहे थे। फिर उसके बाद तुम्हारे शिक्षक भी मार रहे थे पुलिस को? ठीक। क्या नाम है आपका? ओम सिंह। कहाँ पढ़ाई करते हैं? आरडी पब्लिक स्कूल। क्या हुआ था कल, क्या देखा था आपने? कल देखे थे कि दो ठो छुट्टी के बाद 2 बोलेरो आए, फिर जमीन के बारे में कुछ बात हुआ तो फिर उन लोग दरोगा लोग ने सर को 1 थोपी मारे, फिर कहा शांत हो जाए शांत हो, फिर उससे ही लड़ाई बहुत बढ़ गया, तो पटका पटकी हुआ तो सर के नाखून का बढ़ गया तो खून निकलने लगा, फिर उसके बाद। कौन से सर का नाखून का बढ़ गया? डायरेक्टर सर। आपके सर? हाँ। जो पढ़ाते थे। हाँ। फिर उसके बाद उन लोग मारा पीटी हुआ था, फिर चल गए उन लोग। उसके बाद बरवाडी पुलिस ने पूरा फिर छिपादर से मंगवाए, तो फिर एक छोटा ट्रक आया और एक जीप और सवारी गाड़ी और 2 बोलेरो, उसी में पुलिस बैठ के आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन लोग दौड़े और दोनों को पकड़ लिए, दोनों को पकड़ के बाद उसके बाद फिर से उन लोग का भाई आ गया तो कहने लगा कि इन लोग झगड़ा ऐसे मत करो, फिर मारने लगा सबको मारते फिर गाड़ी में बैठा और ले गए जेल में। क्या नाम है? पवन कुमार सिंह। क्या हुआ था कल स्कूल में? कल स्कूल में फर्स्ट बार 2 बोलेरो आए, उसके बाद उसमें दरोगा साहब थे, दरोगा साहब बोले कि काम हो रहा था तो बोले कि मशीन बंद करवाइए जल्दी से, उसके बाद सर को उन लोग दरोगा साहब एक थप्पड़ मार दिए, तो एक सर थे इधर से गए बोले कि ये सब क्या हो रहा है, तो फिर कलर यहाँ पर पकड़ के और फिर इधर बड़ा वाला गेट की तरफ लाने लगे, उधर धक्का मुक्की किए पूरा, तो हमारे डायरेक्टर सर का पूरा नाखून उजड़ गया, उसके बाद पूरा धक्का मुक्की होने के बाद उन लोग दोनों चल गए बोलेरो वाले फिर बरवाड़ी से कॉल करके छिपाधर से पुलिस पूरा मतलब मंगाया गया, उसके बाद फिर 1 जीप आया, 2 बोलेरो, 1 सवारी गाड़ी और छोटा ट्रक, उसके बाद सब पुलिस लोग दौड़ा सर लोग को मारने के लिए और चारों तरफ से घेर के पूरा बहुत मारा पूरा सर लोग के भाई को, सर को, मैम को भी मारा उन लोगों ने। उसके बाद सबको एक सर लोग को, सर के पापा को, सबको गाड़ी में बैठा कर लेके आ गए थाना।
बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? रूबी बानो। क्या कहना चाहते हैं जी? कहना यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सभी पढ़ रहे थे आरडी पब्लिक स्कूल वहाँ लदगाई में, तो उन लोगों का भूमि विवाद था, जो भी था पहले का बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो कल अचानक स्कूल 21 तारीख को खुली और उसके बाद बच्चे सभी स्कूल गए तो पता चला कि स्कूल में सिपादोहर थाना बरवाड़ी थाना से कुछ फोर्स और थाना प्रभारी सर गए हुए थे, तो वहाँ पे मारपीट किया गया, तो मारपीट वहाँ पे किया गया, फिर उन लोग को अरेस्ट करके यहाँ पे लाया गया। तो हम लोग तो ये नहीं जानते उनका भूमि विवाद क्या है और क्या पेपर सही और क्या गलत है, हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग गरीब आदमी है और अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे उस स्कूल में, और पिछले एक महीना पहले ही हम लोग सारा पुस्तक खरीदे हुए हैं, 10,000 उसमें पैसा लगा ड्रेस का सारा चीज, तो अभी हम लोग अगर स्कूल बंद हो जाती है तो हम लोग फिर कहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे? इतने सारे बच्चे हैं, अभी सभी गार्जियन भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो यही हम लोग चाहते हैं कि तत्काल में जो हम लोग का न्याय मिलना चाहिए वो मिले और फिर से स्कूल चालू हो और हम लोग अपने बच्चों को सभी वहीं भेजें पहले की तरह रेगुलर, जैसे बच्चे पहले पढ़ते थे। ये तो अभी कितने लोग को थाना में बंद कर दिया गया? 8 लोग। 8 लोग को थाना में बंद कर दिया गया। आज स्कूल में इसलिए छुट्टी है? हाँ, छुट्टी इसलिए छुट्टी है, सब जितना लड़का के गार्जियन था आया था, सब आया थाने में, तो हमारा यहाँ रहने का है कि आप यहाँ देखिएगा, कन्हो में जाइएगा तो हम यहाँ बैठे हैं। तो ये जो घटना हुआ आपके आँख के सामने? हाँ, आँख के सामने हुआ है, आँख के सामने, सबके आँख के सामने हुआ है, सब लकन फकन सब कहेगा। अथी जब महिला आया था लेडीज, तो लेडीज ने मारता तो पुलिस क्यों मारा मधु के? मतलब जेंट्स पुलिस मारे? जेंट्स पुलिस मारा है मधु के। तो उसमें आपका क्या प्रतिक्रिया था? आप रोकने की कोशिश किए थे कि? हमें कुछ नहीं, हमें तो बया गए सब, ओरी ओरी हो गए, इतना चल ही रहा था लाठी डंडा ने, जका कहे हमें कि यहाँ सख्ती चला के ककरो छोड़ाएंगे, चाहे हमें जीव की डर रहे कि नहीं, हम इन्हों को बात जाता तो हम इनके केस विधवा करा था, हम इन तो लैकन के चुप करा रहे थे कि मत रो बेटा मत रो बेटा, हम इन तो लैकन के चुप करा था, बहुत रो रहा था लड़का, और उस सबको तो बोले गाड़ी में बैठा 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 के एकदम लगा टांग टांग के। जैसे का आना धुन मारा मारी हो रहा था, तो बीच में नीतीश सर था, वो तो बैठ गया, तो फिर तो ऐसे खड़े रह गया, तो खड़े के नहीं बाजेगा, तो बैठ गया, तो उसको कहाँ से नीतीश के बाजेगा, तो पुलिस से मारा मारी हो गया, आखिर कोई ने मारा मारी किया, मैंने ना से कोई नहीं पुलिस का मारा। आपको काम कराने के लिए सरकार के जमीन में इतना अधिकार हो गया, अब ये चट चट मारने लगा, मन मौका नहीं दिया बोलने के लिए कि गोड़ पर पड़ेंगे कि नहीं सर, नहीं अब नहीं बनाएंगे चाहे नहीं करेंगे, से नहीं सर मौका दिया, अब मारने लगा, वहाँ से तिरते तिरते वहाँ गाड़ी में बैठाने लगा, अब मधु से निकला तो अपना परिवार के पकड़ रहा था, तो परिवारों को मार दिया, मधुओं को मार दिया, बड़ा बाबू यहाँ चूरी फूट गया, खून बह गया, ओकरे बाद तीनों भाई ने घमने लगा, तो फिर छिपा दोहर से पुलिस बुलाया, 150-200 भैया, उसके बाद यहाँ आया तो वो सब उन्हें जा रहा था रूम में, कोई सामान लेने जा रहा था, किसे लुका रहा था, तो इन्हें से उन्हों से दौड़ा, इन्हों से दौड़ा, तो जाकर मारने लगा, यही जगह मारा है, सबको मारा है, बल भर मारा है, बापों को मारा है, मुकेश सर के, नीतीश सर के। देखा जा रहा है कि थाना प्रभारी भी इसमें घायल हुए हैं। हाँ, तो वो क्या थाना प्रभारी में घायल नहीं हुआ है, जैसे कि नीतीश सर की जग मार रहा था तो पुलिस में, जैसे कि नीतीश ऐसे ऐसे बैठ गया नहीं से, जैसे तो पुलिस में मारा मारी हो गया, हम इन देखे हैं आँख से।